आज से कुछ सालों पहले गब्बर का नाम लेकर लोगों को सुलाया जाता था, लेकिन उनको वापस जगाने के लिए कौन सा शब्द बोला जाता है ये तो हमें किसी ने नहीं बताया। तो चलिए हम बताते हैं। KGF छोटा सा आसान सा 3 लेटर का शब्द, लेकिन पावर इतनी ज्यादा जो किसी के भी नींद उड़ा सके। जी हाँ, सब रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। 2 दिन के अंदर ही KGF चैप्टर 2 के 63 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। इतने व्यूज ना ही कश्मीरी फाइल्स के हुए, ना ही RRR के, और ना ही बच्चन पांडे के। अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना तो हर कोई जानता है, लेकिन कैसे इन्वेस्ट करना है ये कन्नड़ फिल्म प्रोडक्शन से बेहतर कोई नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल, बच्चन पांडे 165 करोड़ में बनी और उसकी जगह KGF का चैप्टर 1 ही ओनली 80 करोड़ में बना था और चैप्टर 2 100 करोड़ में। हमें तो लगा था कि बाहुबली जैसी मूवी बस एक बार ही बनती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए, ट्रेलर शुरू होता है न्यूज़ रिपोर्टर की आवाज़ से। गरुड़ा की मौत के बाद क्या हुआ वो जानना चाहती हैं, जो कि हम भी जानना चाहते हैं, जिसका जवाब हमें विजेंद्र इंगलागी से सुनने को मिलता है, जिसे प्ले कर रहे हैं प्रकाश राज। अब कुछ लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में होंगे कि इन्होंने आनंद नाग के कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका नाम है आनंद इंगालागी, मे बी ये ब्रदर्स हो सकते हैं। KGF के आज़ाद होते ही गिद्ध मंडराने लगे। सब ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी कि फैमिली हमारी थी तो विरासत भी हमारी होनी चाहिए। सब ने मिलकर सोचा कि रॉकी को कैसे हिट करें, क्योंकि अकेला तो कोई रॉकी को मार नहीं सकता था। तो चलिए, अब बात करते हैं सरकार की, जो रॉकी को बर्बाद करना चाहती है। इसमें रवीना टंडन की एक अलग और काफ़ी बेस्ट पर्सनैलिटी दिखी, क्योंकि हर मूवी में रवीना टंडन को ग्लैमर की क्वीन की पर्सनैलिटी में दिखाया जाता है, और इस मूवी में उन्हें एक ऐसी लेडी दिखाया है जिनसे कोई भिड़ना नहीं चाहेगा। KGF को हत्याने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि मिलिट्री, मीडिया, पॉलिटिशियन सब इनके हाथों में हैं। अब इस बात से ये भी पता चलेगा कि अगर एक पॉलिटिशियन कुछ चाहे तो वो क्या क्या नहीं कर सकता। अब बस ये देखना है कि कितना बड़ा गेम खेलती हैं ये इस मूवी में। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें काफ़ी सारे सीन्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे मिलिट्री कैंप लगे हुए हैं और पुलिस भी अपनी तलाश कर रही है, जिससे पता चलता है कि रॉकी कितनी बड़ी टक्कर दे रहा है। और तभी एंट्री होती है अधीरा की। अधीरा के बारे में ट्रेलर ने ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया। इस सीन में रॉकी रमिका सेन यानी रवीना टंडन के पास पहुँच गया और पूरा खून से लथपथ है, लेकिन अधीरा के बारे में अभी भी काफ़ी कुछ छुपाया जा रहा है। अब बात करते हैं VFX की। जिस परफेक्टनेस के साथ इन्होंने सिनेमाटोग्राफी और VFX को हैंडल किया है, दिस इज हॉलीवुड लेवल फिल्म, सो परफेक्ट। ये देखकर लगता है कि इन्होंने अपने इक्विपमेंट्स का काफ़ी प्रो लेवल से यूज़ किया है। इसकी डेप्थ इतनी अच्छी है, जिस तरह से इन्होंने ब्लैक्स को हैंडल किया है एक मैट फिनिशिंग देते हुए, ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। क्योंकि KGF मूवीज नॉट ऑलवेज अबाउट एक्शन, इट्स ऑल्सो अबाउट कैरेक्टर एंड वर्ल्ड वाइड। सही टाइम पर सही कैरेक्टर का हिंट देना और फिर उन्हीं के मौके पे उन्हें इंट्रोड्यूस करना, तब देखने को मिलती है एक परफेक्ट किक। अब इंतज़ार है बस KGF के रिलीज़ होने का।